वो आपके साथ ही यशु शुक्ला और बात करेंगे जननायक की अंतिम यात्रा। बुलंदशहर से खबर, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुलंदशहर से खबर, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियों को किया गया पूरा। आपको बता दें कि बारिश के चलते लगाए जा रहे हैं वाटर प्रूफ तंबू। अंत्येष्टि स्थल को भी किया जा रहा है वाटर प्रूफ। डीएम व्यवस्थाओं का कर रहे हैं निरीक्षण। बता दें आपको कि कल्याण सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बारिश के चलते वाटर प्रूफ तंबू लगाए जा रहे हैं। अंत्येष्टि स्थल को भी किया जा रहा है वाटर प्रूफ। पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। डीएम खुद कर रहे हैं निरीक्षण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे बुलंदशहर में क्या कुछ तैयारियां हैं अंतिम संस्कार को लेकर। जी बिल्कुल, ऐसी मैं आपको बताऊं, जनता बुलंदशहर के नरोदा बसी घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। देखिए, हम वो स्थान दिखा रहे हैं जहां अंतिम संस्कार होना है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। देखिए, वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अंतिम संस्कार की जो तैयारियां पूरी की जा चुकी है, और जो वहाँ के जो महंत है वो लोग हैं वो उसको पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हम बात कह सकते हैं कि तो तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है, और उसको लेकर यहाँ जो जनता बुलंदशहर के डीएम एसएसपी, देखिए जो यहाँ वीआईपीओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। हमारे कैमरामैन वो तस्वीर दिखाएं, वीआईपीओं के लिए जो बैठने की जो व्यवस्था की गई है, तो यहाँ चारों तरफ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। ये वही स्थान जहाँ यहाँ वीआईपीओं के बैठने के ठहरने के लिए जो व्यवस्था की गई है, और जनपद बुलंदशहर के जिस तरह से डीएम और एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो जितने भी आने वाले हैं उनके लिए सभी तरह की व्यवस्था की जा रही है, और प्रत्येक व्यक्ति आने जाने पहले व्यक्ति की चेकिंग भी की जा रही है। उसको लेकर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ चार हेलीपैड भी बनाए गए हैं जो हेलीकॉप्टर आएंगे उनके लिए उतरने के लिए। जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं अनिल की, यहाँ पर जिस तरीके से वाटर प्रूफ तंबू लगाए जा रहे हैं चूंकि बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बारिश से बचने के लिए वाटर प्रूफ तंबू पूरी तरह से लगाया गया है, और जो जहां अंतिम संस्कार होना है वहां भी ऊपर टीन का ऊपर तंबू बनाया गया है, जिससे कि जो अंतिम संस्कार हो उसमें किसी तरह का व्यवधान ना उत्पन्न हो सके। तो यहां पूरी तरह से जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी पूर्ण रूप से पूर्ण कर ली है। किसी भी तरह की कोई भी यहाँ अव्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है चारों तरफ। अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ सभी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए, चारों तरफ की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरी तरह तैयार है, और लगातार जनपद बुलंदशहर के डीएम एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए, चारों तरफ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तो पुलिस के पूरे और प्रशासन के पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। जी अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से नेता इस अंत्येष्टि स्थल पर शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कौन कौन से नेता आ रहे हैं। जी मैं आपको, जी बिल्कुल यसी, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से जो खबर दी जा रही है, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी पहुंचने वाले हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी पहुंचने वाले हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो काफी नेताओं के यहाँ आने की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब देखना ये होगा जो अंतिम संस्कार में तो दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ कौन कौन से पीआईपी नेता पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां पूर्ण कर ली है, किसी भी तरह की यहाँ कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है, और जो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जी, और अनिल आपसे भी और भी जानकारी लेंगे, ये जननायक की अंतिम यात्रा की तस्वीरें सड़क मार्ग से आपको बता दें कि बड़ौली जा रहे हैं, और चूंकि वो उनका जन्म स्थान है,
तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंतिम यात्रा कल्याण सिंह जी की और तमाम सुरक्षा बल मौजूद अंतिम पड़ाव की ओर। कल्याण सिंह जी आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अंत्येष्टि स्थल की भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अनिल मीणा उस वक्त वहां मौजूद हैं और किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी भी जानकारी हम लगातार अनिल से ले रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सड़क मार्ग की तस्वीरें हैं जहाँ पर अंतिम यात्रा कल्याण सिंह जी की और लोग भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई उनके आखिरी बार दर्शन करना चाहता है। अंतिम यात्रा आखिरी पड़ाव और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कल्याण सिंह जी। शनिवार देर रात 9 बजे उनका निधन हुआ था और कल वो अलीगढ़ पहुंचे थे, आज अंतिम संस्कार होगा उनका। बारिश चूंकि आसार नजर आ रहे हैं से वाटरप्रूफ तंबू लगाए गए हैं। अनिल आपसे जाना चाहूंगी मैं, डीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, बात अगर हम करें रूट डाइवर्जन की, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे चूंकि अंत्येष्टि स्थल पर जाहिर सी बात है कि तमाम नेता मौजूद हो रहे हैं और एक बड़ा जमावड़ा जो है वो हम देखेंगे अंत्येष्टि स्थल पर, तो किस तरीके से क्या रूट डाइवर्जन यहाँ जो जहाँ पर ये घाट बना हुआ है उसके बाद से जो वहाँ का सड़क मार्ग है वहाँ पर किस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि रूट डाइवर्जन किया गया है या लोगों को आने की अनुमति है या नहीं है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिला प्रशासन की तरफ से रूट डायवर्जन किया गया है। रूट डायवर्जन को लेकर जो आम जिस तरह से वाहन है उनको नहीं आने दिया जाएगा, जो मीडिया कर्मी उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है और जो आम जनता है उनके लिए दर्शन के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उनके सबको यहाँ रखा जाएगा और जो जनता है उनके लिए अंतिम जो दर्शन है वो भी करने की यहाँ छूट दी जा रही है। तो यहाँ पूरी तरह से जिला प्रशासन ने जिस तरह से देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर सभी तैयारियां जिस तरह से की गई हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं यहाँ पूरी तरह से जिला प्रशासन ने रूट डाइवर्जन भी किया हुआ है। और यहाँ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ जो ये जो मंच बनाया गया है यहाँ अंतिम दर्शन के लिए सबको रखा जाएगा, उसके बाद जो लोगों के द्वारा अंतिम दर्शन किए जाएंगे। जी सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे में कई जिलों में यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है, उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे में पुलिस की निगाह है, जो किसी असामाजिक तत्व से निपटने के लिए पूरी तरह से पुलिस बल तैनात किया गया है। तो हम कह सकते हैं जनपद बुलंदशहर के जिला प्रशासन ने, जो जनपद डीएम और एसएसपी, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं जी, और प्रत्येक चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अनिल क्या संभव हो पाएगा, क्या हम डीएम साहब से हमारी बात हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं डीएम साहब की अगर हम बात करें तो डीएम साहब अभी चारों तरफ निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि जनपद बुलंदशहर के जो यहाँ एसपी क्राइम है, हम उनसे एसपी क्राइम है जनपद बुलंदशहर उनसे हम बात करते हैं एक बार। सर देखिए हमारे साथ एसपी क्राइम मौजूद है, हम थोड़ा सा उनसे जानकारी करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? यहाँ पे जो वीवीआईपी और सारे वीआईपी आ रहे हैं सभी के लिए, पब्लिक के लिए इंक्लोजर बनाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था है सभी को एक्सेस दिया गया है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही है, तैयारी हो चुकी है और अभी हमें और कम देखना है। पर आम जनता के लिए भी कुछ दर्शन के लिए यहाँ बिल्कुल आम जनता को एक पर्याप्त दर्शन किया है। देखिए हमारे साथ जो जनपद बुलंदशहर में एसपी क्राइम मौजूद है, उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जा चुकी है और आम जनता है जो अंतिम दर्शन के लिए उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। जी आप बिल्कुल कहीं ना कहीं अनिल तो ये स्पष्ट है कि जो आम जनमानस है उनको भी अंतिम दर्शन मिल पाएंगे कल्याण सिंह जी के, वो अंत्येष्टि में शामिल हो सकते हैं जैसे कि आपने पूछा एसपी क्राइम से भी। आपसे यहाँ पे अनिल मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अंत्येष्टि स्थल पर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं, बात हम अगर करें उनकी अंतिम यात्रा की तो वो कब तक पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर और कब तक ये जो तैयारियां हैं, जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है ये कब तक होगी?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर सूत्रों के हवाले से अगर यहाँ खबर दी जा रही है कि अंतिम यात्रा जो यहाँ होगी करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में पहुंचने वाली है, क्योंकि 2 बजे का यहाँ लोगों का कहना है कि 2 बजे के आसपास पहुंचेगी, उसमें करीब आधा घंटा के लिए अंतिम दर्शन के लिए भी लोगों को देखने के लिए रखा जाएगा उनको। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव करीब 3 बजे तक का यहाँ लोगों का जो मानना है वो 3 बजे तक की लोगों के मानता है कि 3 बजे तक यहाँ अंतिम संस्कार हो पाएगा। जी जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। डीएम व्यवस्थाओं का कर रहे हैं निरीक्षण, लगभग लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और लखनऊ से आपको हम बड़ी खबर बता देते हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम से जानी जाएंगी सड़कें, बड़ा ऐलान किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। लखनऊ अयोध्या प्रयागराज की सड़कों का नाम बदलेगा, लखनऊ अयोध्या प्रयागराज की सड़कों का नाम बदलेगा। कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम होगा कल्याण सिंह मार्ग, लोक निर्माण विभाग जल्द पूरी करेगा कागजी प्रक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम से जानी जाएंगी सड़कें। लखनऊ अयोध्या और प्रयागराज का नाम बदला जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बड़ा ऐलान किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कि जो सड़क मार्ग है उनका नाम कल्याण सिंह जी के नाम से होगा, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, कौन कौन से मार्ग हैं जिनके नाम बदले जाएंगे? देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि कल्याण सिंह के ना रहने के निधन के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनकी एक छाप थी, उनकी छवि थी, उस छवि को देखते हुए अयोध्या से उनका काफी ज्यादा लगाव रहा है और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले थे जहाँ से उनके जो है पुराने नाते थे और वहां पे उनका आना जाना था। तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया है लखनऊ अयोध्या प्रयागराज बुंदेलखंड और अलीगढ़ में, तो इनमें जो सड़कें होंगी उनके नाम पे कल्याण सिंह के नाम पे भी रखा जाएगा। लोग निर्माण विभाग की जो पूरी जिम्मेदारी जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास में है, इस वजह से ये पूरी तरीके से इन्होंने ऐलान किया है कि राम मंदिर आंदोलन में किसी ऐलान किया है कि जो भी सड़कें होंगी उनका निर्माण जो होगा वो कल्याण सिंह के नाम से रखा जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह का काफी बड़ा योगदान रहा है और इसको लेकर के जो योगदान से देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो लगातार जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किन किन विभागों में कहाँ पे किस नाम से रूट को बदला जाएगा, उनका नाम चेंज होगा, जो कल्याण सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा। इन जब उधर से गुजरेंगे तो कल्याण सिंह को याद करते नजर आएंगे, तो ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बड़ा ऐलान है वो लोक निर्माण विभाग जल्द ही कागजी के साथ जो उसकी प्रक्रिया है वो उसकी पूरी कर देगी। ऐसे में राम मंदिर को लेकर के जो इनका योगदान बना रहता था, हमेशा राम मंदिर के लिए हमेशा वो सतर्क रहते थे, तो ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि अयोध्या हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, इन रोडों की सड़कों को जो है बदला जाएगा इनका नाम और कल्याण सिंह के नाम से जिन रोडों का नाम रखा जाएगा। जी संदीप जी, ये भी खबर आ रही है कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी नाम बदला जा सकता है, इसको लेकर कुछ जानकारी है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे कल्याण सिंह को याद रखने के लिए हमेशा उनकी प्रशंसा करके जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जब से उनकी तबीयत का खराब हुई है इस समय से लेकर के आज तक उनके हर पल उनके साथ नजर आते नजर आए हैं
तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो अलीगढ़ का एयरपोर्ट है उसका नाम भी बदला जा सकता है, लेकिन हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है कि नाम हो सकता है कि उसका नाम बदला जा सकता है। ये आने वाले समय में जब कैबिनेट होगी तो उसमें प्रस्ताव जरूर रखा जाएगा, पास किया जा सकता है और इसको नाम बदलने की तैयारी भी तेज हो सकती है। फिलहाल डिप्टी सीएम का जो बयान है उनमें साफ तौर पे जो रोड मार्ग है, जो सड़क मार्ग है, उनका नाम बदलने की बात की जा रही है, उसकी कागजी प्रक्रिया भी की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ अयोध्या प्रयागराज की सड़कों का बदलेगा नाम, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा ऐलान, कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा। कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। लोक निर्माण विभाग जल्द पूरी करेगा कागजी प्रक्रिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी के नाम पर होंगे मार्ग। और अब अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अलीगढ़। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन को पहुंचे अलीगढ़, अंतिम संस्कार को पार्थिव शरीर को ले जाया जा